हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमंस ड्राइंग। जैसा कि हम सभी को स्पेस और स्पेस आर्ट काफ़ी पसंद है, तो आज मैं आपके लिए ब्यूटीफुल मून को ड्रॉ एंड पेंट करूंगा। और यह वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ड्रॉ की गई है। बिफोर स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू ह्यूमंस ड्रॉइंग एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू गेट मोर आर्ट वीडियोज। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपने कई सारी पेंटिंग्स में अर्थ से दिखने वाले मून को देखा होगा, जो कि शाइन करता है। बट मैं आज स्पेस से दिखने वाले मून को ड्रॉ एंड पेंट करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने एक सर्कल को पेपर साइज के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया है, जिसमें मून को पेंट करेंगे। और अब मैं इसके आसपास के एरिया को ब्लैक कलर से फिल करने वाला हूँ, जो स्पेस में दिखने वाली डार्कनेस को शो करेगा। अब इसके बाद मैं लाइट ब्लू कलर से सर्कल को भी पेंट करने वाला हूँ। पेंट कर लेने के बाद अब शेडिंग एंड डिटेलिंग को स्टार्ट करते हैं, तो देखते रहिए इस प्रोसेस को। फ्रेंड्स, मून का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। मून हमेशा से अर्थ का सैटेलाइट नहीं था, यानी उपग्रह। अर्थ और मून से पहले प्रोटो अर्थ और थिया नेम के दो प्लैनेट्स थे, जिसका साइज मंगल ग्रह के बराबर हुआ करता था। स्टडी से पता चलता है कि करोड़ों साल पहले अर्थ और थिया दोनों प्लैनेट्स का आपस में तेज टकराव हुआ था, और इस भारी टकराव के कारण दोनों प्लैनेट्स टूट गए और पत्थरों में बदल गए। इन टूटे हुए पत्थरों के आपस में जुड़ने से फिर बने, और इस प्रोसेस के लंबे समय के बाद हमें अपनी आज की पृथ्वी और मून देखने को मिलता है। इसके बाद ही अर्थ पर जीवन पॉसिबल हो पाया था। शायद ऐसा होने की वजह से ही हमारा मून अर्थ के साथ लॉक हो गया, और आज भी हमें उसकी केवल फ्रंट साइड ही देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने अपनी ड्राइंग में मून की बैक साइड पर डार्क शेडिंग को दिखाया है और फ्रंट साइड को लाइट से, इससे हमारी ड्राइंग में डेप्थ अच्छे से शो होती है। जैसा कि हमने स्पेस पिक्चर में देखा होगा कि मून में बहुत सारे क्रेटर्स, तो मैंने भी इसमें बहुत सारे क्रेटर्स को ड्रॉ किया है, यानी गड्ढों को, जो एस्ट्रॉयड के मून पर टकराने से बने हैं, जो हम अपनी अर्थ से नहीं देख सकते, बट स्पेस से लिए हुए सभी रियल पिक्चर में आपने ज़रूर देखा होगा। लाइट एंड डार्क शेडिंग करने के साथ कुछ और क्रेटर्स को ड्रॉ कर लेंगे, जिससे अब इस मून को रियलिस्टिक लुक मिल सके। मून पेंटिंग को फाइनल टच देने के लिए अब हम इसके आसपास ढेर सारे शाइन करते हुए स्टार्स को पेंट कर लेंगे, तो ये हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आर्ट पसंद आई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी स्पेस आर्ट सीरीज में द सन, प्लैनेट मार्स, प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट सैटर्न एंड गैलेक्सी की पेंटिंग्स को भी बनाया है। मैंने आपके लिए लिंक्स को ऐड कर दिया है, एक बार उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको पसंद आएगी। Thanks for watching, guys. I hope you liked this art video of today. Stay connected with Hemans Drawing and subscribe to this channel. Milte hain next video mein ek nayi drawing ke saath. Stay home, stay safe.